अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सना के किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सनास किचन 818। आज की हमारी रेसिपी है पपाया पिकल। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे सिंपल पपाया पिकल की रेसिपी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कच्चा पपाया। पपाया पिकल बनाने के लिए यहाँ पे कच्चा ही पपाया यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कच्चा पपाया लिए हैं। इसको हम एक पीलर की मदद से यहाँ पे पपाया का छिलका निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे पपाया का छिलका निकाल के इसको हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। पपाया पिकल ब्राइन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ कप वाटर, हाफ कप विनेगर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून शुगर, यहाँ पे शुगर सॉल्ट डिजोल्व होने के बाद यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक जार लेंगे, इसमें हम पपाया स्लाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पपाया स्लाइसेस, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, फिर हम यहाँ पे गार्लिक लिए हैं। यहाँ पे 5 से 6 ग्रीन चिल्लीस हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। थोड़ी ग्रीन चिल्लीस को हम यहाँ पे मिडल में कट कर लेंगे। इन सबको स्टेप बाय स्टेप जार में ऐड करते जाएंगे। सबको जार में ऐड करने के बाद हम यहाँ पे पिकल ब्राइन जार में ऐड करेंगे। पिकल ब्राइन को हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही ऐड करेंगे ठंडा करके। तीन दिन बाद यहाँ पे पिकल, पपाया पिकल खाने के लिए रेडी हो चुका है।